नाक में जो सूचना आ रही है उस सूचना के अनुसार राजद के अमर पासवान की स्थिति अन्य से बेहतर है। तो हम लोग को लगता है इस उपचुनाव में नतीजे तो कल आएंगे, लेकिन नतीजे राजद के पक्ष में आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा की बोचाहा सीट पर उपचुनाव हो चुके हैं और जो परिणाम है वो कल सामने निकल कर आएगा। उससे पहले आपको बता दें कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने राजद के जीत का दावा किया है बोचाहा विधानसभा सीट पर। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, पहले आप वो सुने। चुनाव में जो सूचना आ रही है उस सूचना के अनुसार राजद के अमर पासवान की स्थिति अन्य से बेहतर है, लेकिन चुनाव के पहले कोई घोषणा तो कर नहीं सकता है। घोषणा के पहले वहाँ आम लोगों में अमर पासवान के प्रति एक अच्छी राय थी, सब लोगों ने बताया, और दूसरे उम्मीदवार थे उनके बारे में अच्छी राय नहीं थी। तो जहाँ तक हम लोग को लगता है इस उपचुनाव में नतीजे तो कल आएंगे, लेकिन नतीजे राजद के पक्ष में आएंगे, ऐसा सभी लोगों का कहना है, समीक्षकों का भी कहना है, अखबार वालों ने भी यही लिखा। लेकिन लड़ाई होती है, अंत में क्या नतीजे होते हैं वो तो अंत में आता है। पर सर, सत्ता पक्ष का कहना है कि राजद वालों को अभी जश्न मना ले दीजिए, पर जब परिणाम आएंगे तो फिर एनडीए वाले जश्न मनाएंगे। मतलब बीजेपी के कहना, बाकी ख्याली पुलाव की तो आरजेडी पकाती है। अच्छा, आप ही बताओ, आप हमसे पूछ रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि हम ही जीत जाएंगे और हमारे किसी कहने से मशीनें कोई नतीजा नहीं निकाल देगी। अब सारी चीज़ें मशीन में जा चुकी हैं, अब अलग है कि अपनी संभावना के आधार पर हर पार्टी अपनी बात कहती है। राजद के तरफ से उम्मीदवार को अच्छा माना गया था, और ये मैंने कहता हूँ कि उनके उम्मीदवार को खराब ही कहा गया था, लेकिन चुनाव में तो जीतता है कोई एक ही चुनाव जीतता है। राजद लड़ाई में है ये तो नहीं ना कोई कह रहा है, और ये कह रहा है अपने बारे में कि हम ही जीत जाएंगे। तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि बिना चुनाव में नतीजा आए हुए कोई यशस्वी जीत गया। और जहाँ तक लोगों से पूछा जा, पार्टी वालों से, तो हर पार्टी अपने लिए बैठी है और हर पार्टी अपनी बात कहती है। अब उन लोगों का कथन है। राजद की ये मान्यता है कि हमारे उम्मीदवार की स्थिति अच्छी है, नतीजा राजद के पक्ष में आ सकता है, आना चाहिए। तो आपने साफ तौर पे सुना, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बोचाहा उपचुनाव पर राजद के तरफ से जीत का दावा किया है और साफ तौर पे कहा है कि जो माहौल अभी तक देखने को मिल रहा है उसमें से राजद के प्रत्याशी अमर पासवान की जो जीत है वो हासिल होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से परिणाम के पहले ही राजद ने जीत का दावा किया है, तो ऐसे में जब परिणाम आते हैं तो उसमें कौन से पार्टी की जीत होती है। बहरहाल, अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।